नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिन दो गाड़ियों का डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ये दोनों ही ऐसी गाड़ियां हैं जो महिंद्रा से ज्यादा खुद के नाम से बिकती हैं। पहली है महिंद्रा बलेरो और दूसरी महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको 14 से 14.5 लाख रुपए में गाड़ी खरीदनी है तो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरियंट एस की ओर जाना चाहिए, जिसमें आपको इंजन के अलावा एक ट्रक जैसी बॉडी मिल जाती है और कुछ भी नहीं, या फिर आपको महिंद्रा बलेरो पर जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके लिए महिंद्रा बलेरो बेस्ट रहेगी या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट बेस्ट रहेगा। स्टार्ट करें इंजन से, तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको 2.2 लीटर यानी 2200 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो चार डीजल इंजन मिलता है, जो 130 bhp जनरेट करता है 3750 rpm पर, 300 Nm टोर्क जनरेट करता है 1750 rpm से 2500 rpm के बीच। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। बात की जाए देसी वाली महिंद्रा बलेरो की, तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार डीजल इंजन मिलता है, जो 75 bhp जनरेट करता है 3750 rpm पर, 210 Nm टोर्क जनरेट करता है 1800 से 2500 rpm के बीच। लेकिन दोस्तों, स्कॉर्पियो में आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और बलेरो में यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही मिलेगा, यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं मिलता। बात की जाए दोनों ही गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, यहाँ पर 4x4 किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, दोनों ही रियर व्हील ड्राइव है। मतलब ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियां बेहतर है। दोस्तों, इंजन की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो भाई बलेरो की लेंथ है 3995 mm, विड्थ 1745 mm, हाइट 1880 mm, व्हील बेस 2680 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है देसी वाले बलेरो की 60 लीटर। बात की जाए आपकी क्लासिक के डायमेंशंस की, तो यहाँ पर लेंथ मिलती है 4456 mm, विड्थ 1820 mm, हाइट 1995 mm, व्हील बेस 2680 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस सेम मिलता है दोनों गाड़ियों में 180 mm। यहाँ पर भी आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, बलेरो में भी आपको 50 लीटर की ही मिलती है। तो दोस्तों, डायमेंशन वाइज जैसे कि आपने देखा, आप देसी वाली बलेरो ले लीजिए या फिर देसी वाली स्कॉर्पियो ले लीजिए, दोनों में ही आपको व्हील बेस, ग्राउंड क्लीयरेंस और फ्यूल टैंक कैपेसिटी बिल्कुल सेम मिलती है। तो दोस्तों, इंजन पावर और डायमेंशन वाइज अगर देखा जाए तो भाई सीधी सीधी स्कॉर्पियो क्लासिक बलेरो से बेहतर है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कंफर्ट कन्वीनियंस वाले फीचर्स की और उसके बाद देखेंगे आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी की ओर जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप देसी बलेरो का बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको सेफ्टी के नाम पे मिलेगा ABS, 12 एयरबैग, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक, सीट बेल्ट वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, EBD, साइड फ्रंट इंपैक्ट बीम, इंजन चेक वार्निंग। लेकिन अगर आप बलेरो देसी वाली का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं B6 ऑप्शनल, तो यहाँ पर आपको 2 सेफ्टी फीचर्स और ऐड कर दिए जाते हैं, रिमोट सेंटर लुकिंग और डोर अजर। इसके अलावा भाई बलेरो में कोई खास सेफ्टी फीचर्स आपको नहीं मिलते। लेकिन अब बात करें स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको डुअल एयरबैग, ABS, फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट एस में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको डुअल एयरबैग ही मिलते हैं और ऐसा वैसा कोई फीचर नहीं मिलता। मतलब भाई सेफ्टी फीचर्स वाइज अगर देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सेम ही हैं। लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको फ्रंट बम्पर प्लास्टिक का मिलता है और भाई बलेरो में आपको देसी वाली में फ्रंट बम्पर लोहे का मिलता है। बात की जाए स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट की सेंट्रल लॉकिंग की, तो वहां पर आपको मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। मतलब आपको खुद ही गाड़ी में चाबी डालनी पड़ेगी और उसके बाद घुमानी पड़ेगी, तभी आपकी गाड़ी लॉक या अनलॉक होगी। लेकिन बलेरो नियो के टॉप वेरिएंट B6 ऑप्शनल में आपको रिमोट वाली सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। अब बात करें कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की, तो स्टार्ट करते हैं देसी बलेरो से। यहाँ पर आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग, वैनिटी मिरर, एडजस्टेबल हेड रेस्ट फ्रंट और रियर में, लेकिन भाई थर्ड रो में यहाँ पर आपको हेड रेस्ट ही नहीं मिलते। उसके बाद बात की जाए रियर पार्किंग सेंसर्स, फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर। लेकिन अगर आप बलेरो का टॉप वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पावर विंडो, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेडियो, 4 स्पीकर्स, USB ऑक्स पोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको बलेरो में। लेकिन अब बात की जाए स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट एस की, यहाँ पर आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के नाम पर मिल जाता है रियर पार्किंग सेंसर्स, ऑल 4 पावर विंडो एक जगह ही मिलती हैं बलेरो के जैसे, आपको यहाँ पर अलग अलग नहीं दी गई हैं सभी डोर्स पर, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप, मैनुअल सेंटर लॉकिंग, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स। लेकिन भाई बलेरो में आपको ओनली फ्रंट में AC वेंट मिलते हैं, सेकंड रो में आपको बलेरो में AC वेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट एस में आपको सेकंड रो में भी AC वेंट मिल जाते हैं दो, तो भाई ये यहाँ पर एडवांटेज है स्कॉर्पियो क्लासिक एस को।
इससे अलावा बात की जाए तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट में आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के नाम पे ऐसे कोई फीचर्स नहीं मिलते। एडजस्टेबल 5 हेडरेस्ट आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, 7 यहाँ पे भी नहीं मिलते, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट में भी आपको लास्ट की दो सीटों में हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट अपोलिस्ट्री मिलती है। स्कॉर्पियो में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, लेकिन बलेरो में आपको फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। दोनों में इंफॉर्मेशन आपको लगभग सेम ही मिलती है, कोई ज्यादा बड़ा फर्क यहाँ पर नहीं है। स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट एस में आपको कोई भी स्पीकर या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं मिलता। अब बात की जाए दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की, तो भाई बलेरो के एक्सटीरियर में आपको बेस वेरिएंट में तो कोई खास चीजें नहीं मिलती, नॉर्मल सी गाड़ी मिल जाती है। 16 इंच रिम मिलते हैं आपको बलेरो में। टॉप वेरिएंट ले लीजिए या फिर मिड वेरिएंट ले लीजिए या फिर बेस वेरिएंट ले लीजिए, अलॉय व्हील्स आपको बलेरो के कोई से भी मॉडल में नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई अगर आप बलेरो का B4 छोड़कर B6 वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडलैम्प्स, रियर विंडो डिफोगर, पावर एंटीना, साइड स्टेपर, 16 इंच रिम मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप बलेरो का टॉप वेरिएंट B6 ऑप्शनल खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको फोक लाइट्स, कॉर्नरिंग हेडलैम्प, रियर विंडो डिफोगर, वॉशर वाइपर, 16 इंच रिम्स के साथ यहाँ पर आपको व्हील कैप्स भी मिल जाती है बलेरो के टॉप वेरिएंट B6 ऑप्शनल में। लेकिन बात की जाए स्कॉर्पियो क्लासिक के एस वेरिएंट की, तो स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट एस में आपको ऐसे कोई खास फीचर्स नहीं मिलते। स्टार्ट करें फ्रंट से तो आपको फुल्ली ब्लैक ग्रिल मिलेगी, उस पर आपको महिंद्रा का न्यू वाला लोगो मिल जाएगा। उससे नीचे चले तो यहाँ पर आपको फोग लाइट्स नहीं मिलती। बात की जाए स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको 17 इंच रिम मिल जाते हैं। उसके अलावा इंडिकेटर आपको ORVM पे नहीं मिलता, बेस वेरिएंट में क्या ही मिलेगा, ये तो आपको टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलता। फेंडर पर ही इंडिकेटर मिलेगा आपको दोनों गाड़ियों में। अब इससे आगे चले तो स्कॉर्पियो में आप एक चीज तो नोट कर ही रहे होंगे, यहाँ पर आपको आधा बॉडी कलर मिलेगा और नीचे आपको क्लैडिंग ब्लैक मिलेगी। इसको आपको आफ्टर मार्केट कराना पड़ेगा या फिर ऐसे ही खींचनी पड़ेगी। बात की जाए रूफ की, तो रूफ पे आपको रूफ रेल्स भी नहीं मिलती, जिनसे स्कॉर्पियो काफी गंजी सी लगती है। अगर रियर में चले तो रियर में आपको महिंद्रा का न्यू वाला लोगो मिल जाएगा। रियर स्पॉइलर यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा और उसके अलावा रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर जैसा कुछ नहीं मिलता इस गाड़ी में आपको। बात की जाए टेल लाइट की, तो भाई बलेरो में आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है और हेलोजन में ही टेल लाइट मिलती है, लेकिन स्कॉर्पियो में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं और टेल लाइट यहाँ पर आपको LED में मिल जाती है बेस वेरिएंट से ही। बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस का, तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट एक्स का ऑन रोड प्राइस इंडिया की किसी भी सिटी में लगभग 14 से 14,20,000 रुपए है और देसी वाली बलेरो के टॉप वेरिएंट का प्राइस लगभग ऑन रोड इंडिया की किसी भी सिटी में 12,20,000 रुपए है। अब बात कर लेते हैं आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी की ओर जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर 7 सीटर चाहिए तो भाई यहाँ पर बिल्कुल नो डाउट आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस वेरिएंट पर ही जाना चाहिए। वहां पर आपको ये जो आफ्टर मार्केट काम है ये तो आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पे आपको प्रॉपर 7 सीटर मिल जाएगी। बलेरो में आपको प्रॉपर 7 सीटर नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको जो लास्ट वाली सीटें हैं वो किसी भी काम की नहीं है, यहाँ पर आपको गाड़ी 5 सीटर ही मिलती है। स्कॉर्पियो में तो आपको कोई टच स्क्रीन या फिर स्टूडियो मिलता ही नहीं है, लेकिन बलेरो में भी आपको एक सादा सा स्टूडियो मिल जाता है, उसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती। बलेरो लेने के बाद लगभग आपके 2,00,000 रुपए तो बची जाएंगे, लेकिन भाई अगर आप 2,00,000 रुपए नहीं बचाना चाहते तो आप स्कॉर्पियो क्लासिक ले सकते हैं और फिर उसमें आपको 1 से 1.5 लाख रुपए फिर आफ्टर मार्केट खर्च करने पड़ेंगे जब जाकर वो S11 जैसी बनेगी। तो दोस्तों यही कुछ चीजें थी दोनों गाड़ियों में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं आप देसी वाली बलेरो खरीदेंगे या फिर देसी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट खरीदेंगे, आप दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई प्लीज ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।